हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अवर स्टडी ग्रुप। इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, द फन दे हैड। ठीक है, तो करते हैं। देखिए द फन दे हैड बाय इसाक एसिमव। किसने लिखा ये? इसाक एसिमव ने। इंग्लिश बुक बिहाइव का चैप्टर है ये, क्लास नाइन्थ का। ठीक, तो इस वीडियो में मैं पूरी समरी पढ़ाऊँगा, तो स्टार्ट करते हैं। 17 मई 2157 के दिन टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। उसने इसे मार्गी को दिखाया। मार्गी 11 वर्ष की थी। इससे पहले उसने कभी भी वास्तविक पुस्तक नहीं देखी थी। एक बार उसने अपने दादाजी से वास्तविक मुद्रित पुस्तकों के बारे में सुना था। यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी। इसके पन्ने पीले और सलवटों वाले हो गए थे। उन्होंने इसके पन्नों को पलटा और उन्हें पढ़ा। टॉमी को ये बिल्कुल व्यर्थ की बात लगी। उनके पास छपी हुई पुस्तकें नहीं थी। उनकी पुस्तकें टेलीविज़न के पर्दे पर चमकती थी। टॉमी जो कि 13 वर्ष का था, मार्गी की तुलना में टेलीविज़न के पर्दे पर अधिक पुस्तकें पढ़ चुका था। टॉमी ने मार्गी को बताया कि यह पुस्तक स्कूल के बारे में है। ये पुस्तक किसके बारे में है? स्कूल के बारे में है। तो टॉमी को एक रियल बुक मिली थी जो कि स्कूल के बारे में थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो टॉमी ने मार्गी को बताया कि ये पुस्तक स्कूल के बारे में है। मार्गी हमेशा से ही स्कूल से घृणा करती थी। उसका स्कूल उसके घर पर ही कमरे में स्थित था। यह उसके शयन कक्ष से अगले कमरे में स्थित था। शनिवार और रविवार के दिनों को छोड़कर उसका तकनीकी शिक्षक का मतलब होता है मैकेनिकल टीचर, प्रतिदिन टेलीविज़न के पर्दे पर एक निर्धारित समय पर चमकता था। उसे अकेले ही उसके सामने उपस्थित होना पड़ता था। यह तकनीकी शिक्षक उससे प्रश्न पूछता था, उसे गृह कार्य देता था और उसे चेक करता था। वह परीक्षा पत्रों को भी चेक करता था और उनके अंक देता था। मार्गी का तकनीकी शिक्षक उसे एक के बाद एक टेस्ट देता रहता था। मार्गी का प्रदर्शन बद से बदतर होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो बार बार टेस्ट दे जा रहा था तकनीकी शिक्षक। उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया भेजा। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? जो मैकेनिकल टीचर को सही करता है जब इसमें खराबी आ जाती है। तो उसने जो मैकेनिकल टीचर है उसकी गति को एक औसत 10 वर्ष के बच्चे के स्तर पर कर दिया, कि मतलब कि एक एवरेज बच्चा जो होता है ना, एवरेज स्टूडेंट होता है 10 साल का, उसके मेंटल लेवल पर सेट कर दिया मैकेनिकल टीचर को। ठीक है, तो टॉमी ने मार्गी को बताया कि सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ पुरानी किस्म के स्कूल हुआ करते थे। वे स्कूल विशेष किस्म के भवनों में स्थित होते थे। उन स्कूलों में पुरुष अध्यापक पढ़ाते थे। क्षेत्र के सभी बच्चे वहाँ जाते थे और एक जैसा सबक सीखते थे। मार्गी ने सोचा कि उन स्कूलों में अध्ययन करना बहुत रोचक होता होगा। वह उन रोचक स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। तभी मार्गी की माँ ने उसे स्कूल में उपस्थित होने के लिए बुला लिया। मार्गी स्कूल में उपस्थित नहीं होना चाहती थी, परंतु वह अनिच्छापूर्वक स्कूल कक्ष के अंदर चली गई। यह उसके शयन कक्ष से आगे कमरे में स्थित था। उसका तकनीकी शिक्षक कार्यरत अवस्था में था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने मार्गी से कहा कि वह उचित दराज में अपना गृह कार्य डाल दे। मार्गी ने भारी सांस के साथ ऐसा किया। तकनीकी शिक्षक उसे गणित विषय का भिन्न वाला पाठ पढ़ा रहा था, लेकिन मार्गी पुराने जमाने के स्कूलों और उनमें होने वाली रोचकता के विषय में सोच रही थी। तो ये आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया। तो ये चैप्टर की होल समरी थी जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और एक बात और, आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के राइटर कौन है। तो इस चैप्टर के राइटर कौन है? इसाक एसिमव। ठीक है, जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।